चल बिट्टू ओके बाय बाय। अरे बाय बाय बाय, कैब का इंतजार कर रहा हूँ, बस कैब आ जाए जल्दी से। फाइनली वो दिन आ गया है, आज से शुरुआत हो रही है फिर से फैशन शो की, जो कि चलने वाला है 22 से 31 तारीख तक। फिलहाल 31 तारीख तक बुकूँ, उसके बाद देखते हैं, लेकिन कुल्लू जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से वापस आ जाऊँगा, लगातार काम करेंगे अब तो। चलो करते हैं शुरुआत। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप सब ठीक होंगे, तो आपका स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी निकल रहे हैं बस काम की तरफ, जैसा मैंने बताया शो शुरू हो चुके हैं। तो आज हमारी फिटिंग है ताज पैलेस में, चाणक्यपुरी में। तो पहली फिटिंग है, हमेशा की तरह आज भी लेट है जैसा होते हैं। तो आगे मुझे अभी मिलने वाले दुष्यंत भाई, तो आज बहुत सारे दोस्त भी मिलेंगे, उनसे भी मुलाकात होगी काफ़ी लंबे टाइम के बाद। तो चलो पहुंचते हैं सबसे पहले टाइम से, थोड़ा गाली वालियाँ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं, आज पहला दिन है तो चलो आज तो बहानेबाजी भी चल पड़ेगी, लेकिन टाइम से पहुंचना पड़ेगा कल से। तो गाइस ये है मेरा फर्स्ट लुक, अभी ज़्यादा नहीं दिखा सकता हूँ, फिटिंग चल रही है आपको पता, देखे ना मुझे कोई, मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे लेना तो देखो वैभव भाई यहाँ पे हमारे, वैभव भाई अभी बोलेंगे कुछ ना कुछ, हम बोलेंगे आज उज्जवल धीर है यहाँ पे, इन्हें अवार्ड मिला था, दिस इज द गाय गाइस प्लीज फॉलो उज्जवल धीर, सी दिस हेयर लुक इज ऑल इन ट्रेंड, गेट दिस हेयर लुक। आप मुझे मेरे बालों से पहचान सकते हैं? या दिस गाय दानिश फ्रॉम कश्मीर, आवर सुपर मॉडल टुडे इन कश्मीरी आउटफिट, ये है हमारे सेलिब्रिटी, ये पार्थ दत्ता इन्फ्लुएंसर मिलियन फॉलोअर्स। ये देखिए ये हमारे राजा जी है और आयुष जी। हेलो भाई, मुझे लगा था कुछ और है, दूर से दिखा मुझे लगा कुछ और है, तभी आपने बोतल उठा दी थी पूरी। सुबह सुबह राजा जी वो कहाँ है? दुबे जी, दुबे जी वहाँ। कुछ कहना चाहते हैं? बस बेन भाई खुश रहें, मजे में रहें। तो गाइज ये देखो यहाँ पे वोडका की बॉटल्स देखी होगी आपने, ऐसे दारू की बॉटल्स। तो फैशन वीक पे दारू वाली बॉटल में पानी दिया जाता है। इट्स वेरी गुड, आई थिंक यू शुड नॉट यूज प्लास्टिक बॉटल, दीज आर ऑल द स्टाइलिश हील्स, यू आर देयर अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन बिफोर द फैशन वीक, इट टेक्स 1 month फॉर देम टू प्रिपेयर टू लुक अस सो गुड। बहुत मेहनत लगती है गाइस, हमारी मेहनत तो सिर्फ एक दिन की रहती है और हमारी फिर भी हालत खराब होती है, तो सोचो वो पिछले 1-2 महीने से तैयारियां करते हैं पूरी, और 100 लोगों की टीम खराब होती है ये देखिए। और भाई की भी शादी हुई है भी अभी, कॉन्ग्रेचुलेशन लिखो, बाकी मैंने तो कह दिया भाई फिर दोनों की, भाई की शादी पे मत जाना, जवान लगते हैं दोनों, मेरे भी 2 बच्चे हैं, शादी बस होने वाली है, आपकी भी जल्दी हो जाए। तो इस फिटिंग को ख़त्म करने के बाद अपनी आज 2 और फिटिंग है। यार साउथ भाई रुक जाओ आप, आप आपको इंतजार करना चाहिए, साउथ भाई टैगिंग के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। राजा जी आपका नंबर नहीं आया अभी। तो गाइस मैं इंतजार कर रहा हूँ अपने टैग के लिए, कपड़ों को टैग करना पड़ता है, आपने लगा दिया? हाँ जी 5 एक आधा किसी और को दे दो मैं। तो गाइस देखो कुछ तो लगा दिए मेरे कपड़ों में, अभी ये 3 है, 2 जूते में लगाने और एक कहाँ लगेगा पैंट में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ देन दे विल गेट टू नो व्हिच लुक यू आर वेयरिंग। ये देखो शीशे में भी देख लो हम तीनों, आपने चेंज कर लिया बहुत जल्दी। चलो राजा जी चलो हो गया गाइस, अभी की फिटिंग डन, अब हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ी देर बैठेंगे, उसके बाद किसकी होगी? कुणाल रावल। आप भी हो कुणाल रावल में? अच्छा यहीं तक चल। तो इस लड़कियों की फिटिंग अभी भी चल रही है, हमारा हो गया, चलो चले चलो ब्रदर। तो गाइज अपनी पहली फिटिंग तो डन हो गई है, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रेकफास्ट मैंने मॉर्निंग में आते हुए ना दोस्त को प्रोटीन दिए थे, बस भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। ये देखो अपने चैंपियन और यहाँ वो कहाँ है किट्टू जी, किट्टू जी कहाँ है ये बताओ, किट्टू जी
सब्जी खाना खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं अंदर। जी ने सबको शादी में आने के लिए धोखे में रखा था, बोल रहे थे कि चलेंगे चलेंगे, भाई ने शादी में एक घंटा पहले बताया, ऐसा हमें बताया गया था कि हमको इनवाइट मिला गया है, बट हमारे पास इनवाइट पहुंचा ही नहीं, किट्टू के पास था सबका इनवाइट, और अब हम गालियां खा रहे हैं। चलो कोई नहीं, एनिवर्सरी पे आएंगे ये सब लोग, सेम फंक्शन एनिवर्सरी का सीधा। तो ये देखो गाइस, ये चल रही है कास्टिंग अभी। डिज़ाइनर को जब भी एक्स्ट्रा मॉडल चाहिए होते तो एक्स्ट्रा लड़के जो भी आते हैं वो कुछ कुछ डिज़ाइनर्स कास्टिंग। अरे अरे मेरे भाई भाई आ रहे अपने भाई। अरे अंकित भाई, हमारे अंकित भाई पहुंच गए। ये बताओ वो कहाँ है बूम साहब अपने? बूम साहब आने वाले होंगे, वो बड़े लोग हैं। शौर्या शौर्या ये ये अभी क्या चल रहा है गाइस? भाई तुम्हारे फैन मेरे वहाँ पे, मेरा पूरा जिम तुम्हें देख रहे हो। स्टॉप इट। मैंने कहा भाई मैं भी जानता हूँ इस बंदे को, कुछ देखो देख रहे हो आपकी एडिटिंग के, और सबसे मेन जो अंकल के साथ आपकी वीडियो है ना, उसके सब लोग फैन है क्रेजी। एक तो देखा होगा आपने, अभी कास्टिंग चल रही है यहाँ पे, उसके बाद कास्टिंग खत्म होने के बाद हमारी फिटिंग शुरू हो जाएगी, और हम अभी अपने दादा का इंतजार कर रहे हैं, समझ गए होंगे। इमरान दादा, सचिन भाई आ रहे हैं आज? सचिन भाई आ जाएंगे शाम को, शाम को बड़े लोगों की शाम को है। इमरान भाई आ रहे हैं, वो भी देख लो आप कितने, वो रस्ते में वो सबसे बाद में आएंगे, जैसे कपड़े देंगे फिर उसके बाद सबसे लास्ट में वो कपड़े लेंगे, ज्यादा ब्रेक नहीं, रोड रुकते नहीं, और सबसे अच्छे लेंगे, अच्छे लेंगे हाँ, खुद सेलेक्ट करते हैं वो। कैमरा बंद था, बस कैमरा ऑन रहता तो हमारे दादा आ गए। दादा हेलो गाइस, बहुत अच्छा लग रहा है बहन भाई से दोबारा मिलके, शादी के बाद में अब मुलाकात हो रही है इनसे। मैं लव और सपोर्ट बना रहना चाहिए जीवन भर। और सुनाओ फिर आप? बस बहन भाई यार, बस जिंदगी चल रही है यार थोड़ी, बस मैं अभी कॉल कर रहा था आपको थोड़ी देर पहले, एक सेकंड फोन आ रहा है माय लव, कर लो आप कट कर दीजिए। तो गाइस भूखे जा रहे हैं हम लोग को खाना नहीं मिला क्योंकि कूपन जिनके पास था वो गायब है, तो अभी हमें कॉल आई कि फटाफट आ जाओ फिटिंग के लिए। तो बस ऐसे ही जा रहे हैं, फिर अब भूखे जा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई बात नहीं, रहने में कोई दिक्कत नहीं। ओके हेलो तो ये देखो गाइस, यहाँ चल रही है चेंजिंग, सारे लगे हैं ईमानदारी से। पहला लुक डन, दूसरा कपड़ा और मिलेगा। इनका कपड़ा देखो, ये दे दिया इनको पहनने के लिए, ये है इनका कपड़ा। तो गाइस फर्स्ट लुक अपना डन, और शौर्या कितने लुक्स है? दो भी हो सकते हैं, दो भी तो अच्छा ही होगा, तीन तीन है आपके, हो सकते हैं आपके तीन, तीन थोड़ा ज्यादा हो, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, दो तक हम लोग संभाल लेते हैं, दो तक संभाल लेते हैं। चेंजिंग करते हुए बहुत मुश्किल होता है, तीन लोग सोते हैं क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, शो शुरू होगा ना आपके पास टाइम नहीं होता है, एक मिनट के बीच में करने मिनट में, फिर ऐसा होता कभी पैंट नहीं निकल रही है, कभी जूते नहीं पहन पा रहे। एक शो में हुआ था मेरे साथ ना, जो जूते थे वो कोई और जूते देते मुझे, तीन साइज ज्यादा बड़े थे, तो मैं घिस घिस के ऐसे चल रहा, टिश्यू भी डालने पड़ते फिर जूतों में। तो गाइस अभी हम भाग कर आए थे लेकिन यहाँ पे खाना ही खत्म, तो ऑर्डर करना पड़ेगा हमें। हाँ तो कर लेते हैं ना ऑर्डर, बारिश भी पड़ गई है यहाँ तो यार, बारिश हो रही है गाइस बाहर देखो, अभी ऊपर फिटिंग चल रही है, भाग कर आए। तो गाइस देखा कितने लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, बस अभी अपना सेकंड आउटफिट भी हो गया, अब जा रहा हूँ मैं, इसके बाद अपनी फिटिंग है, एक डेढ़ घंटे बाद, एक डेढ़ घंटे का ब्रेक है उसके बाद। ये देखो ये भाई साहब बोल रहे हैं अपने कि ब्रेकफास्ट करते करते दो दो बार देखता हूँ। गाइस सुबह मॉर्निंग में उठ के मेरा सबसे पहला रूटीन ये है
चाय बनानी है, उसके बाद बहन भाई का कम से कम दो बार ब्लॉग देखना है, एक ही ब्लॉग पूरा का पूरा। बस कमेंट नहीं करता हूँ अभी मैं, धीरे धीरे वो भी करना शुरू करता हूँ, व्यूज दे देता हूँ, व्यूज दे देता हूँ पूरे। चलो चलो वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आया वेब में। अरे भाई थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। तो गाइज यहाँ पे देखिए वीडियोस बन रही है सब मॉडल्स की, ऐसे बोलना भी पड़ता है कैमरा के सामने, तो कॉन्फिडेंस जरूर रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। तो गाइज अपनी सेकंड फिटिंग भी डन, टाइम लगा क्योंकि उसमें अपने दो आउटफिट्स थे, तो आज लंच भी गया, मॉर्निंग में वही कुछ भी नहीं खाया था। अभी टाइम हो रखा है 4:30, तो अपनी नेक्स्ट फिटिंग है 7:30 यानी 8 बजे तक शुरू हो जाएगी, तो उसे ख़त्म होते होते 11 बजेंगे। आज का वीडियो लंबा रहेगा, तो चलो कुछ खाने का इंतजाम करते। अरे भाई मुझे तो कूपन मिल गया, आई एम हैप्पी। कूपन की क्या करेंगे, डिनर का कूपन तो सबको मिलेगा, लेकिन डिनर कब लगेगा अभी तो टाइम। बट आई थिंक वी मिस्ड इट, हमने मिस किया भाई, हम मिस कर दिए, लंच मिस किया था हम लोगों ने। तो चलो आपने, अच्छा आपको मिल गया था। हां हां आई हैड कूपन, मेरे पास है कूपन। अच्छा हां, बट वो फिटिंग्स के टाइम पे थोड़ा सा वहां पे टाइम लंच का तो खाया नहीं आपने भी ना। ये होता है कूपन्स मॉडल, कूपन्स यार मुझे भी ये मिला था, मैंने वापस ये देखो ये होना जरूरी है तब मिलेगा खाना, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो गाइज अपनी सेकंड फिटिंग भी डन, दो आउटफिट थे इसमें टाइम लगा, और अपना लंच भी चला गया, आज कुछ भी नहीं खाया सुबह, मॉर्निंग में वही दो स्कूप प्रोटीन। तो अभी अपनी नेक्स्ट फिटिंग है 7:30, तो आज का वीडियो लंबा है, देख लेना पूरा। बाकी यार बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं अच्छा भी लगता है, थोड़ा सा जंक फूड भी खा लिया था, कोई बात नहीं चलता है कभी कभी। तो चलो अभी चलते हैं सीधा वहाँ पे, थोड़ा बैठते सबसे बातें बातें करते, साइड में आ गया हूँ ज़्यादा। तो गाइज ये देखिए इमरान भाई का शूट चल रहा है अभी, आवाज़ भारी करो, थोड़ी वॉइस एक्सरसाइज हो जाए। तो गाइस देखो ये पहुंच गए अपने सचिन भाई। भाई लेट क्यों हुए? लेट नहीं, मेरी कॉल टाइमिंग ही यही थी, मैं लेट नहीं हुआ, मैं परफेक्ट टाइम पे और अर्ली आया हूँ मैं सच में। वीडियो है ये, वीडियो दिखाना, दिखाओ तो। तो गाइज आज अपने पुराने दोस्तों के साथ मिल रहा हूँ बहुत लंबे लंबे टाइम बाद, जैसा कि सालिक भाई अपने दो साल से ज्यादा हो गए यार। नहीं ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गए भाई, हम लोग कोविड से पहले मिले थे, बीच में शायद मुझे लगता है किसी शो पे मिले थे, कहीं पे आप आए थे, उसके बाद नहीं मिले। वो मुझे तो याद आ रहा है वो टाइम 6 साल पहले जब हमने इंडिया रनवे वीक किया था साथ में, उस टाइम ओपन में हम करते थे शो पूरा, ना कोई एसी ना कुछ, कुछ भी नहीं, यहाँ से पसीने भीग रहे, यहाँ से गारमेंट पहन रहे, लाइक दैट वाज कॉल्ड यू नो पैसे भी एफोर्ड, हाँ पैसे भी ना के बराबर होते थे, लेकिन ना के बराबर नहीं, वो पैसे बहुत बड़े होते थे, आज के आज देखो तो ना के बराबर है, लेकिन वो नहीं मिलते तो शायद आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन हार्ड वर्क चला मिलकर, कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हरि सर हम तो सुबह से कांग्रेचुलेट कर रहे हैं भाई, बहुत अमेजिंग है, हम 2-4 घंटे से गप्पे मार चुके हैं ऑलरेडी। दानिश सर मुझे हां भाई हम हां शादी हुई है, थैंक यू भाई, थैंक यू। सुनो सो जाओगे तब से मैंने 3 बार कांग्रेचुलेशंस किया, एक्सो पूरी रास्ते भाई, हम अभी नकली में शूट्स वगैरह में शेरवानी शूज में पहनते, ये असलियत में पहन लिए, हां पहन लिए मैंने, असलियत में पहन लिए, हमारा भी बाकी है पहनना सून। तो गाइस आज कॉफी पी पी कर दिन निकालना पड़ रहा है, तभी एनर्जी रहेगी नहीं तो खत्म। तो फाइनली गाइस खाना मिल गया हम लोगों को, अभी डिनर कर रहे हैं सारे फिटिंग से पहले। खुशी देखो खाना मिलने की। पूरा दिन कुछ नहीं खाया था आज, अब दबा के खाएंगे। तो गाइस बस लास्ट फिटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पे सामने कपड़े लग रहे हैं, देखो सारे मॉडल इकट्ठे हो रखे हैं, यहाँ बैठे कुछ बातें बातें चल रही है। तो अभी टाइम पता क्या हुआ है, 7:30 बजे शुरू होने वाली थी, 8:35, कितने बजे ख़त्म होगी देखो, होपफुल तो यही है कि 10 बजे ख़त्म हो जाए, बट लग नहीं रहा कि 10 बजे ख़त्म होंगे, तो 11:30 मैक्स टू मैक्स। तो सोचो मॉर्निंग कितने बजे घर से, 7:30 बजे निकले हम लोग, 7:30-8 बजे निकले हुए हैं, तो पूरा दिन यानी 11, पर कल हमें मुझे तो नहीं, मुझे कल दोपहर में आना है, लेकिन कुछ मॉडल्स को फिर से सुबह 7 बजे पहुँचना यहाँ पर, तो उतना ईजी नहीं है गाइज जितना सोच रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी अगर नाम और पैसे और फेम चाहिए तो। तो बस अभी देखते हैं कितना और टाइम लगता है, बाकी तो चल रहा है यार, कपड़े तो अभी ज़्यादा दिखा नहीं सकते आपको, आपको पता है नहीं तो।
अगर इस शो में सबसे ज्यादा मॉडल्स इस शो में है साउथ भाई, कितने मॉडल्स हैं इसमें? इसमें है, ऐसा लग रहा है थोक के भाव क्या कह रहे थोक के भाव मॉडल्स है बोलते इसमें देखो भाई बहुत भरा पड़ा है पूरा, अभी भी आने बाकी है बहुत सारे 100 से ज्यादा ही होंगे, 100 से ज्यादा पचास। हाँ अभी आए भी नहीं है, तो बहुत सारे आने बाकी है, बाकी साउथ भाई ने बोल दिए है थोक के भाव छाड़ दो बिना 25 एक टन हो गया, एक टन अभी एक बाकी तो गाइस आज की फिटिंग डन, तो चलते हैं बाहर। बाकी भाई घर नहीं जाना आज हाँ वही, तो हम लोग भी निकलते हैं, चलो कैब बुक करते हैं और सीधा घर पे मिलते हैं। बाय बाय कर दो आप लोग, तो बाय कर दो, बाय बाय। गाड़ी लाए हो ना? तो ऊबर मेरे बैटरी की फट गई है, चलो ऊबर बुक करो, ऊबर बुक करेंगे भाई। वैन व्लॉग माय ब्रदर इज हियर। देखो हमारे भाई ने सब्सक्राइब कर दिया, भाई हेलो कर दो सबको तो देखो गाड़ी में भाई ने कहा ब्लॉग चला दो, हमने कहा ब्लॉग चला दो, ब्लॉग चल रहा है, हाँ ब्लॉग चल रहा है, देखो भाई चला दो, भाई चला दो। ये देखो भाई शादी वाला ब्लॉग लग गया गाड़ी में भैया आप थोड़ा थोड़ा करके देखना और वहां पे क्या आगे क्या बात है, कमाल है नन भाई, क्या शोई भाई का चमत्कार। हेलो बेटे, आप अभी नहाए हैं पूरा दिन में है? अभी नहाए आप? बस अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचा, बस पहुंचते ही मैं फटाफट नहाने गया, नहाकर शाल लेकर अभी ये देखो ये खाने बैठी है, एक बज रहा अभी। तो चलो एक काम करते, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।